बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रहीम मैं मोहम्मद इस्लाम द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप वन आज का हमारा लेक्चर है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी बेसिकली ये लेक्चर लेक्चर नंबर फाइव का पार्ट टू है लेक्चर नंबर फाइव के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी इनफैक्ट uh, सेक्शन 164 सीआरपीसी के टू पार्ट्स हैं एक डील करता है कन्फेशन ऑफ अक्यूज सेकंड डील करता है स्टेटमेंट ऑफ फिटनेस जो रेलिवेंट लॉज हैं सेक्शन 164 सीआरपीसी चैप्टर नंबर 25 ऑफ सीआरपीसी सेक्शंस 353 से लेके सेक्शन 363 सीआरपीसी पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये हैं कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस विक्टिम, हु इज कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट स्टेज टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी फॉर्मेलिटीज एंड प्रिकॉशंस ऑब्जर्व बाय द मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अच्छा सबसे पहले जब भी गोवा कोई भी शख्स चाहे पुलिस लेके आती है या खुद आता है मैजिस्ट्रेट ने एक बात के बारे में सेटिस्फाई होना है कि ये किस कैपेसिटी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है क्या ये इस केस का मुलजम है या इस केस का कोई विटनेस है अब ये बात जब हो गई फिर उससे अगला स्टेप आ जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बेसिकली होता यह है कि पुलिस के पास जब कोई बयान होता है उसकी वो वैल्यू नहीं है तो दौरान इन्वेस्टिगेशन जब भी कोई शख्स अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता होता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझती है या वो इंडिपेंडेंटली भी अप्रोच कर सकता है तो वो जो 164 के तहत बयान लिखा जाता है वो विटनेस का भी हो सकता है विक्टम का भी हो सकता है अबडक्टी का भी हो सकता है तो जो भी उस केस से रिलेटेड विटनेस होगा अब हु इज कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास इफ स्पेशली इंपावर्ड अगर मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास करेगा तो स्पेशल इंपावर्डमेंट जो है वो मस्ट है अब नेक्स्ट है कि आपके माइंड में क्वेश्चन वेदर ओनली एरिया मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इस बाबत प्रो एंड कंट्रा दोनों तरफ व्यूज़ हैं अब इस बाटर बाबत जो है मैटर सब ज्यूडस है बिफोर द स्पेशल लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए अब आ गए कि स्टेज टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट 164 का जो बयान है ये किस वक़्त रिकॉर्ड की इसकी स्टेज क्या है सेक्शन 164 में बड़ा क्लैरिटी क्लैरिटी के साथ ये बात मैंशन है कि ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर इंक्वायरी आर ट्रायल देखिए जब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो जो विटनेस है वो बयान आके अदालत ट्रायल कोर्ट में देगा नॉट के बींग अदरवाइज बींग अ मैजिस्ट्रेट क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट वन के तहत बयान रखा है वो जरूरी नहीं है कि उस केस का ट्रायल कोर्ट भी है बल्कि ट्रायल कोर्ट तो कोई भी हो सकती है वन सिक्सटी फोर का जो बयान है ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखा जाएगा अब बात आ गई प्रिकॉशंस की देखिए हमने जैसे कि पार्ट वन में डिस्कस किया कि कन्फेशन ऑफ अकूज रिकॉर्ड करने के लिए सर्टन जो प्रिकॉशंस हैं वो मैंडेटरी है। इन नेचर हैं एट एनी कॉस्ट वो प्रिकॉशंस अगर ना हों तो कन्फेशन ऑफ द अक्यूज की वैल्यू एबली नहीं होती एज जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की तो इसमें वो जो प्रिकॉशंस हैं वो मैंडेटरी नहीं है हाँ नो no डाउट कि जब भी कोई शख्स बयान अदालत में देने आता है 164 का विटनेस आता है 164 के तहत क्योंकि पुलिस के पास बयान की वैल्यू नहीं होती इसलिए एज अ रूल ऑफ कॉशन एज अ रूल ऑफ प्रूडेंट प्रूडेंस जो सर्टन इंक्वायरीज जो है मैजिस्ट्रेट करता है मैजिस्ट्रेट्स ने किस बाबत इंक्वायरीज करनी है बेसिकली मैजिस्ट्रेट ने सेटिस्फाई करना है अपने आप को ये जो विटनेस बयान देना चाहता है या अपनी वलन्टेरिनेस यानी इसकी वलन्टेरिनेस है या नहीं है अब वो वलेंटेरिनेस के लिए क्या चीज़ें हैं एनी क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट पूछ सकता है किसी किस्म की क्वेरी कर सकता है किस बाबत के वो कोई एंड इन्फ्लुन्स तो नहीं है कोई प्रॉमिस की मत में ये बयान तो नहीं दे रहा किसी किस्म का कोई थ्रेट तो नहीं है किसी किस्म का कोई थ्रेट तो नहीं है अब चंद एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ने यह बात पूछनी होती है कि बताना होता है कि यू आर अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट यानी विटनेस के माइंड से ये बात बाहर आ जाए कहीं पुलिस स्टेशन नहीं है कोई और जगह नहीं है फिर उसको ये भी बताना होता है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक अ स्टेटमेंट और अगर आप ये बयान रिकॉर्ड करवाएंगे तो दैट कैन बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट यू आपके केस को इस बयान से नुकसान भी हो सकता है फिर के क्या कोई सरकमस्टानसिस ऐसे तो नहीं है कि आप किसी डर खौफ प्रामिस की वजह से बयान तो नहीं दे रहे आप वालेंटेरली बयान दे रहे हैं कोई पुलिस ने कोई मुलजम ने कोई कंप्लेनेंट ने आपसे प्रॉमिस तो नहीं किया फिर लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई यू वांट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट आप बयान क्यों देना चाहते हैं अब ये हो गई अब हम आ जाते हैं कि प्रैक्टिकली प्रोसीजर क्या होता है लेकिन जब भी पुलिस या इंडिपेंडेंटली कोई रिक्वेस्ट लेके आता है 164 के स्टेटमेंट की तो सबसे पहले जो कोर्ट रूम का माहौल है उसको अमवार किया जाता है यानी जो उस केस से रिलेटेड पुलिस ऑफिशल्स हैं उनको अदालत से बाहर भेज दिया जाता है ताकि विटनेस को एक फ्री इन्वायरमेंट मिल सके वो अपने आप को सेफ महफूज कर सके और अदालत जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन तमाम लोगों को भी बाहर भेज सकती है उससे जब क्वेश्चंस करने हों ताकि कोई डर खौफ मिसाल के तौर पे अब अगर एक जो अबडक्टी है वो बयान देना चाहती है हो सकता है वो कंप्लेनेंट के डार्क खौफ की वजह से वो बयान दे रही हो इसलिए अगर कंप्लेनेंट साथ है तो अदालत कंप्लेनेंट को भी बाहर भेज सकती है यानी अदालत ने बेसिकली सेटिस्फेक्शन करनी है अब अदालत सेटिस्फेक्शन के दौरान क्वेश्चन पूछने के बाद उसको टाइम देगी सोचने का अब वो टाइम एक दिन का भी हो सकता है एक घंटे का भी हो सकता है अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आएगी क्या विटनेस को दारुल अमान भेजा जा सकता है देखिए एज आ जनरल रूटीन जो है किसी भी अकिल बालिक को उसकी मर्जी के बगैर दारुल अमान नहीं भेजा जा सकता लेकिन यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है अगर मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पे पहुँचता है ये अगर कंप्लेनेंट के पास है इसके क्लची से इसको बाहर निकालना है या अगर ये मुलजम के ज़रें से आया है इससे इसको इसको फ्री इन्वायरमेंट देना है ताकि ट्रोथफुलनेस आ सके सेटिस्फैक्शन हो सके मैजिस्ट्रेट उसकी वॉल्टेनेस को श्योर करने के लिए उसको अमान बेच सकता है इवन उसकी कॉन्सेंट ना भी हो अब जब बयान के लिए आ गया अब आ गई कि प्रेजेंस ऑफ अक्यूज देखिए, जब भी विटनेस का बयान होगा तो मुलजम की हाजिरी ज़रूरी है अगर मुलजम जेल में है तो अदालत उसको जेल से समन करेगी अगर बर्जमानत है तो फिर थ्रू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिस दिया जाएगा नोटिस भेजा जाएगा इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि मुलज़म के को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहे जरा करना चाहे तो मुलम का 164 के तहत जो विटनेस का बयान रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर मुलम का मुलम के पास प्रॉपर जरा का राइट मौजूद है अब मुलम भी आ गया लैंग्वेज कौन सी होगी कोशिश करनी चाहिए कि लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ डेपोनेंट यानी गोवा की जबान में लिखा जाए अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट उर्दू में भी लिखा जा सकता है फिर गोवा को पढ़ा पढ़ कर समझाया जाएगा अगर उसकी जबान में नहीं होगा तो अब सबसे पहले बयान शुरू करने से पहले गोवा से हलफ लिया जाएगा यानी बयान जो है बार हलफ होगा गोवा का बयान गोवा से नाम पूछा जाएगा वल्दीत उसकी एज पूछी जाएगी प्रोफेशन पूछा जाएगा कास्ट पूछी जाएगी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछी जाएगी बयान हो गया फिर मुलजम को जरा का मौका दिया जाएगा अगर मुलजम जरा करता है ठीक है नहीं करता तो वो, वो गुआ को बयान पढ़कर कर सुनाया जाएगा अगर वो किसी पोर्शन की करेक्टनेस से डनाई करता है तो उसमें ही करेक्शन नहीं की जाएगी बल्कि सेपरेटली एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो उसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बना दिया जाएगा फिर बात आ गई कि क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी कॉपी ले सकती है बिल्कुल ले सकती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एप्लीकेशन देगा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगी और उसको कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी फिर उसको सील कवर में कंसर्न या तो कोर्ट में भेजा जाएगा या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के ऑफिस में भेजा जाएगा एवरी डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट रूटीन है आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चन के जो आप आ चुके होंगे इवन दैन अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच